देश की यह सिस्टम देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। आए दिन देश में दंगे हो रहे हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं। कहाँ गया देश का कानून व्यवस्था? ये छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर है जो इन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है? इनके संग इस तरह की गंदी हरकतें की जा रही। क्या हमारी बच्चियां हमारे ही गांव शहर में महफूज नहीं रहेंगी? कर क्या रही है सरकार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? शायद सरकार को भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए। इस सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि फिलहाल की जो सरकार है ना, वो भी औलादों की सरकार है। ये औलाद के दर्द को नहीं समझते, ये माँ बाप के दर्द को नहीं समझते, समझे? सरकार कुछ नहीं कर सकती, और ये कुछ करके भी क्या कर लेंगे? क्या आपको आपकी बच्चियाँ ये वापस कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। जिंदगी भर रोना आपको होगा, तकलीफ आपको होगी, सारी दुनिया जैसे के तैसे हो जाएंगी, बस आप जिंदगी भर अपने बच्चों की याद में रोते रहेंगे। इसीलिए अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए, उन्हें किसी दूसरों के हवाले मत छोड़िए। क्योंकि आज का जो दिन है ना, इसमें लोगों ने अपने ईमान को बेच दिया है। ये किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं इस बच्ची का रिश्ते में भाई लगता हूँ, चचा लगता हूँ, मामा लगता हूँ, दोस्त लगता हूँ, और ना जाने कितने कितने रिश्ते। ये किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करते, ये बस हवस के पुजारी है। ये आपको बर्बाद कर देते हैं। हाल फिलहाल का वाक्य ले लीजिए जो कश्मीर में हुआ है। उस बच्ची के पिता ने क्या कहा पता है? कि मैंने अपनी बच्ची को हर एक जगह ढूंढा सिवाय मंदिर के, क्योंकि मंदिर एक पवित्र जगह है, और इस दरिंदे ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इन दरिंदों के नज़र में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है, ये बस अपने मकसद को अंजाम देते हैं। और इनसे बचने के लिए क्या करना होगा? आप सभी लोगों को एक साथ आना होगा, और सरकार से एक ऐसे कानून की मांग करनी होगी कि जिससे कोई भी इंसान ऐसा करने से पहले एक बार सोच ले कि मुझे बहुत भयानक सजा हो सकती है। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है ना, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट करके इनको तड़पा तड़पा के मौत के आगोश में भेज देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी देखें तो सोच ले मेरे भी ऐसी ही हालत हो सकती है अगर मैंने ऐसा काम किया तो। अपनी आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, जग जाइए। समझदार हैं आप, समझ जाइए। अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।